एक बार पुनः आपका स्वागत आज के वीडियो में। हम लोगों ने जो बहुविकल्पीय प्रश्नों की सीरीज प्रारंभ की है उसका ये अंतिम वीडियो है। हम लोगों ने एक वीडियो के माध्यम से कम 3 या 4 चैप्टर को कवर किया है। आज केवल और केवल एक चैप्टर के क्वेश्चन इसमें हैं और वो है अंतिम चैप्टर अर्धचालक या सेमीकंडक्टर से रिलेटेड। इसमें भी बहुत सारा जो सिलेबस है वो अब कट चुका है, तो उत्तराखंड बोर्ड के हिसाब से हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन तैयार किए हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, सीधे यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, एक अर्धचालक डायोड में पी साइट को पृथ्वी से एवं एन साइट को -2 वोल्ट से जोड़ा जाता है। डायोड चालन करेगा, चालन नहीं करेगा, भंजन हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। बहुत ही पहला ही क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक्चुअली हम लोग जब फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस, अग्रवाइशन और पश्चवाइशन पढ़ते हैं तो हमें अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। हम हमेशा ये मान के चलते हैं कि जो इस तरीके से, ये मान लीजिए पी टाइप है और ये है एन टाइप, और हम मान के चलते हैं जब इसको पॉजिटिव दिया जाता है, इसको नेगेटिव दिया जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग फॉरवर्ड बाइस, शॉर्टकट में बना लेते हैं इस तरीके से, राइट। और जब इसको पॉजिटिव दिया जाएगा अगले टाइम पे, इसको जब पॉजिटिव दिया जाएगा और इसको क्या दिया जाएगा, नेगेटिव, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, रिवर्स बाइस। समझ पा रहा, मैंने दोनों एक ही साथ पढ़ा दिए हैं, पी को पॉजिटिव एन को नेगेटिव, ये होता है फॉरवर्ड बाइस। फॉरवर्ड बाइस या अग्रवाइशन की विशेषता है, इसमें चालन आसानी के साथ होता है, प्रतिरोध कम हो जाता है, ये तमाम चीज़ें आपको बताई गई हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन कुछ और ही तरीके से दे रखा है, ये कहता है कि पी साइट को कर दिया पृथ्वी से संबंध और एन साइट को कर दिया है -2 वोल्ट। कोई आइडिया है, मैंने उस टाइम भी बताया था, ये फॉरवर्ड बाइस हो गया, रिवर्स ही बताओ, केवल बताइए, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते, ये होगा फॉरवर्ड बाइस। क्या होगा, देखो यहाँ का जो वोल्टेज है वो 0 वोल्ट है, क्या है, और इसका है -2 वोल्ट। आपको ये देखना है कि इसके रिस्पेक्ट में ये पॉजिटिव है या नहीं है। अरे सही है, कभी भी हो धारा के बहने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, उच्च विभव से निम्न विभव, तो विभव उच्च कौन सा होगा, 0 ज़्यादा होता है या -2 ज़्यादा होता है, 0 ज़्यादा होता है, तो ये फॉरवर्ड बाइस है, चालन करेगा, क्या करेगा, चालन। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया पहले में ही, ये इसका आंसर है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, ठीक है, पी प्रकार एवं एन प्रकार का अर्धचालक विद्युत उदासीन, विद्युत धनात्मक, विद्युतीय ऋणात्मक और इनमें से कोई भी नहीं, बताएं बेटा, बताएं, छोटे छोटे प्रश्न हैं, क्या होता है, विद्युतीय उदासीन, विद्युतीय धनात्मक, विद्युतीय ऋणात्मक, इनमें से कोई भी नहीं। तो जब हम एन टाइप और पी टाइप की बात करते हैं, मैं कॉन्सेप्ट को फिर से बता रहा हूं, आपको थोड़ा सा समस्या हो रही है, हम लोग लेते हैं शुद्ध अर्धचालक, ठीक है, जिसमें या तो जर्मेनियम होगा, ऑब्लिक क्या होगा, सिलिकॉन होगा, ये तो सबको पता हो गया, ठीक है। यहां पे आपको ध्यान देना है, जब हम उसमें अशुद्धि मिलाते, क्या मिलाते, तो अशुद्धि जब मिलाई जाती है तो वहां पे जो अपद्रव्य मिल रहा है वो मिलने की वजह से इलेक्ट्रॉन और कोटर, जिनको हम होल कहते हैं, उनकी संख्या में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। लेकिन जो परमाणु की बैलेंसी है, ध्यान दो, परमाणु की जो क्या है, बैलेंसी, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा। समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं, तात्पर्य यह है कि अगर एक कोई परमाणु है तो उससे इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल रहे, ऐसा नहीं है कि उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे, बल्कि यहां पे सहसंयोजकता हो रही, क्या हो रही है, आयन नहीं बन रहे, क्या नहीं बन रहे, तो जब आयन ही नहीं बन रहे, सहसंयोजकता हो रही है, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों में जब कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं तो वो हमेशा क्या रहेगा, उदासीन रहे, क्या रहेगा, चाहे उसमें अपद्रव्य मिलाएं कुछ भी करें। अरे सही है, यहाँ पे आधिक्य और जो अल्प मात्रा में हो रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन और कोटर हो रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या में क्या नहीं पड़ रहा है, फर्क नहीं पड़ रहा है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, विद्युतीय उदासीन, आगे समझ में कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न पे चले, अवक्षयी क्षेत्र में होते हैं केवल इलेक्ट्रॉन, केवल विवर होल, इलेक्ट्रॉन एवं विवर होल दोनों ही, इलेक्ट्रॉन एवं विवर होल दोनों ही नहीं, बताएं अवक्षयी में, अवक्षयी परत क्या होती है, थोड़ा सा इसको भी समझ लें, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है। और यहां पे देखिए, ये जल्दी जल्दी समझेंगे, ये मान लीजिए पी टाइप है, ये क्या है, एन टाइप है, यहां पे बनती है
अवक्षयी परत क्या बनती है, डिप्लेशन लेयर। तो जो डिप्लेशन लेयर होती है इसमें क्या होता है कि जो कोटर और इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक दूसरे के साथ रिकम्बाइंड हो जाते हैं, यानी कि सहसंयोजकता बना लेते हैं। जब वो सहसंयोजकता बना लेते हैं तो इस क्षेत्र में इमोबाइल, यानी कि कोई भी ना तो प्रोटॉन होता है कोटर, यहां पे प्रोटॉन का मतलब है कोटर से, और ना ही कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। अरे सही है, तो यहां पे ये वाला जो पोर्शन होगा उसमें इलेक्ट्रॉन एवं बीवर होल दोनों ही नहीं होंगे। क्लियर है, अब तो आ गया होगा, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकन का ऊर्जा अंतराल 1.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, अधिकतम तरंग दैर्ध्य जिस पर कि सिलिकन ऊर्जा का अवशोषण प्रारंभ कर देगा वह कहां होगी, क्या होगी, होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, क्या होगी? आप में से कोई बता सकता है क्या करेंगे? एनी आइडिया क्या करेंगे? कल हमने बहुत सारे क्वेश्चन इसी के किए, जैसे हम लोग क्या कर रहे थे, कार्यफलन वाले, कौन से वाले, कार्यफलन, वही यहां पे भी मेथड अप्लाई करना है। यहां पे हमें ऊर्जा दी गई है, क्या दी गई है, ऊर्जा, और उसके संगत हमें तरंग दैर्ध्य निकालनी है। तो हम सीधे से फॉर्मूला लगाएंगे E=h(nu) वाला, राइट। E की वैल्यू कितनी है, 1.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है बेटा। H की वैल्यू 6.62 × 10⁻³⁴ जूल सेकंड होती है, इनटू, अब ये न्यू है ना, न्यू नॉट, इसको हम चेंज कर देंगे C/λ, और यहां पे चाहे आप तो मैक्सिमम भी लिख दे। आ गया समझ में, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1.14 × 1.6 × 10⁻¹⁹, कल हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसमें 1.6 छूट गया था, आप में से किसी ने भी ऑब्जर्व नहीं किया, वहां पे मैंने डायरेक्ट इसको ये वैल्यू लिखी और 10⁻¹⁹ कितना लिख दिया, −19। तो यहां पे ये वैल्यू आ गई 6.62 × 10⁻¹⁴ और इंटू 3 × 10⁸ और अपॉन क्या हो जाएगा, लैम्डा। कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक, पक्का? थोड़ा सा इसको ऊपर बढ़ाए, यहीं पे कर ले सॉल्व, ठीक है ना। तो अब क्या हो जाएगा, सीधे लैम्डा इज इक्वल्स टू 6.62 × 10⁻¹⁴। आपको जल्दी जल्दी करना है, मैं तो सिखाने के लिए ऐसे कर रहा हूं, 3 × 10⁻¹⁸ और अपॉन कितना हो जाएगा, 1.14 × 1.6 × 10⁻¹⁹। ओके, सॉल्व आप खुद करेंगे, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब सॉल्व करेंगे तो इसका ये वाला आंसर यहां पे आ रहा है लगभग 10.8.77 और भी आएगा आगे की तरफ, और 10⁻¹⁹ मैंने क्या कहा था इन क्वेश्चनों में, क्या आ रहा है, −7 ही आ रहा है, बोला था ना, इतना आएगा। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है बेटा। तो यहां पे क्या होगा, ये जो थ्री प्लेसेस है ना, इनको चेंज करो, 8, 7, 7, कल भी सिखाया था मैंने, और इसको 10⁻¹⁹ क्या बना दो, 10 बना दो, और इसको क्या कहते हैं, अंगस्ट्रोम। तो ये वाली वैल्यू हो गई, तो ये सही आंसर है। एक बार आप चेक करेंगे, अगर आपको लगेगा कि आंसर में दिक्कत है तो मुझे बताना, सही है, कैलकुलेशन में नहीं कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंत अर्धचालक में विद्युत चालन संभव है उच्च ताप पर, प्रत्येक ताप पर जो 0 केल्विन से ऊपर हो, केवल 100 डिग्री सेल्सियस पर, केवल 0 डिग्री सेल्सियस पर, बताएं, उच्च ताप पर, किस पर, उच्च ताप पर, यह भी हो सकता है कुछ हद तक, लेकिन सबसे बढ़िया आंसर क्या है, उच्च ताप पर, तो ये सही रहेगा, इस पर ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। अभी आएंगे इससे रिलेटेड प्रश्न, तो उन पर मैं डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वैसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे कहते हैं, एक युक्ति का नाम बताना है आपको, कल भी हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था जो कि किसको, सौर ऊर्जा को, सोलर लाइट होती है, और उसको किस में परिवर्तित करता है, विद्युत में। तो सौर सेल, शुष्क सेल, संचायक सेल और बटन सेल, बताए, सौर सेल, सही है। तो सोलर एनर्जी सौर सेल से रिलेटेड है, ये भी हो जाएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। लेकिन आते हैं ये प्रश्न, आप ये ना सोचें कि ये इजी है, कई बार हम लोग गलती कर जाते हैं, अरे सही है जी। तो आगे बढ़े, नेक्स्ट है, अग्र अभिनति पीएन संधि डायोड, यानी कि फॉरवर्ड बाइस की बात हो रही है, जिसमें प्रकाश उत्सर्जित होता है कहे जाते हैं, अग्र अभिनत पीएन संधि डायोड, डायोड बहुत सारे होते हैं, अरे होते हैं ना, लाइटनिंग, आपका एलईडी है, फोटो डायोड है, जेनर डायोड है, पढ़े थे हमने, और ये सोलर सेल वाला भी डायोड ही है। तो उनमें से ये कह रहा है कि अग्र बाइशन में किसको प्रयोग किया जाता है, किसमें, अग्र बायसन में, किसमें, फॉरवर्ड बायस में, बताए थे ना, तो आपको याद है कौन सा वाला किया जाता है,
प्रकाश उत्सर्जक डायोड, फोटोडायोड, जेनर डायोड, इनमें से कोई नहीं। किसको करते हैं अग्रवाइशन में प्रयोग? नहीं है पता, बताए। चलिए ऑप्शन नंबर सी, जेनर डायोड। नहीं, देखिए मैं तीनों के बारे में बता रहा हूं। एक है फोटोडायोड, क्या है फोटो शॉर्ट में लिखेंगे, एक है LED और एक क्या है बेटा जेनर, क्या है जेनर शॉर्ट में लिखा है। ये फोटोडायोड जो है ये भी होता है बैकवर्ड में, यानी कि रिवर्स बाइस में, किसमें होता है रिवर्स बाइस्ड, राइट। ये वाला होता है फॉरवर्ड में, किसमें होता है फॉरवर्ड, यानी अग्रवाइशन की बात हो रही है। और ये फिर से किसमें होता है रिवर्स। इसको तो हम पहला पढ़ते थे, रिवर्स में ही इसको डिजाइन किया गया था, जेनर साइंटिस्ट थे उनके द्वारा इसको डिजाइन किया गया था, रिवर्स बाइस में ही होता है। वोल्टेज रेगुलेशन का वर्क इसके द्वारा किया जाता है, और ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था ना हमने, उसकी तरह काम करता है, राइट। और एलईडी, ये जो बल्ब जले हुए ऊपर दिख रहे हो आपको, एलईडी तो है ये, लाइट इमिटिंग डायोड, कभी कभी इसकी फुल फॉर्म भी आएगी, लाइट इमिटिंग डायोड। और यहां पे किसमें लिखा है हिंदी में, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। तो ये फॉरवर्ड बाइस में होता है, और विशेषता भी सुन लीजिए, जब पीएन संधि को हम फॉरवर्ड बाइस में यूज करते हैं अग्रवाइशन में, तो आसानी के साथ क्या करता है चालन करता है, और उससे क्या निकलता है दृश्य क्षेत्र में, क्या निकलते हैं अरे मतलब वो क्या करेगा रेडिएशन, विकिरण, क्या विकिरण, विकिरण का उत्सर्जन होगा, फोटोन के रूप में होता है ना वो फोटोन। यदि दृश्य क्षेत्र में, देखो फोटोन बहुत सारे होते हैं, वो अल्ट्रावायलेट में आ सकता है, किसमें आ सकता है अल्ट्रावायलेट में आ सकता है, हमें नहीं दिखेगा, वो किसमें आएगा दृश्य में, तो फोटोन हमें दिखेगा। और यदि वो अवरक्त में आएगा फिर भी हमें नहीं दिखेगा, अवरक्त वाला नहीं दिखेगा, वो गर्मी देगा केवल, क्या देगा सही है। तो जो एलईडी होते हैं वो दृश्य क्षेत्र में, किसमें दृश्य क्षेत्र में, सही है बच्चों, आ गया समझ में। तो एलईडी कौन सा वाला, एलईडी, ये आंसर सही है, याद रहेगा, तीनों ही मैंने बता दिए, ये हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, जब एलईडी उत्कर्म अभिनति में होता है तो क्या होता है? अब एलईडी है रिवर्स बाइस में, हम उसको यूज करेंगे तो क्या होगा फिर, नहीं होगा या नहीं होगा, प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, प्रकाश उत्सर्जित होता है, प्रकाश अवशोषित भी नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं, अभी तो पढ़ाया, अभी तो बता सकते हैं इसको, नहीं होगा, नहीं होगा, अरे सही है, तो ये वाला भी ठीक है, ये पहला वाला आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन बोर्ड में क्रमशः जर्मेनियम और सिलिकॉन में बेंड रिक्तता, जो बेंड गैप होता है ना, एनर्जी बेंड गैप मैंने आपको बताया था, बताया था, तो वो बेंड गैप की बात हो रहा था, इसमें वैल्यू याद है आपको, मैंने बताया था, पहला वाला आंसर बिल्कुल सही है। तो अभी एनर्जी बेंड से रिलेटेड और प्रश्न भी आएंगे तो मैं उन पर डिस्कस करूंगा, फिलहाल ये आंसर सही है, ये जर्मेनियम और सिलिकॉन की क्या है एनर्जी गैप है। आगे बढ़े, आएगा नहीं इस तरीके के प्रश्न, पर आ भी गया तो याद रहना चाहिए। एक डायोड प्रयुक्त तो हो सकता है, देखिए डायोड है, किस किस के साथ प्रयोग, एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए, डीसी को एसी में परिवर्तित करने के लिए, एम्पलीफायर के रूप में, इनमें से कोई नहीं, बताइए किस में प्रयोग हो सकता है। ध्यान से आपने कुछ पढ़ा है, चलो मैं हिंट दे रहा हूं, रेक्टिफायर्स पढ़े हैं आपने, फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, बताइए आप, एसी को डीसी में परिवर्तित करता, बाकी ये सारे के सारे काम कौन करता है, ट्रांजिस्टर, और ट्रांजिस्टर अब आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसका आंसर पहला वाला सही होगा, क्लियर है। आगे बढ़े, पी टाइप अर्धचालक प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में त्रिसंयोजक मिलाया जाता है, लेकिन एन टाइप प्राप्त करने के लिए मिलाया जाता है, बताइए, पांच संयोजकता वाला, तो पंच वाला, ठीक है, ये हो जाएगा। तो एक बार फिर से बता दूं कि जब हम एन टाइप और क्या बनाते हैं पी टाइप, जो शुद्ध अर्धचालक होता है तो जर्मेनियम होगा, क्या हो गया सिलिकॉन होगा, यानी कि वो एक ही रहेगा, लेकिन जब हम त्रिसंयोजकता उसमें मिलाते हैं तो वो पी टाइप बन जाता है, और जब पांच वाली मिलाते हैं तब वो क्या बन जाता है एन टाइप बन जाता है। एन टाइप में क्या होते हैं बहुलक, हाँ अभी डिस्कस करेंगे और प्रश्न आएंगे तो एक बार मैं आपको समझा ही दूंगा। कुचालक पदार्थ में संयोजक बेंड तथा चालकता बेंड के बीच होता है, चौड़ा बेंड गैप, पतला बेंड गैप, और कोई रिक्त स्थान नहीं, बताएं आप, इसको मैं समझा देता हूं आपको। कुचालक माने अचालक भी बोलते हैं, तीन टाइप के हैं आपके पास, अचालक, चालक और अर्धचालक, ठीक है, तीनों की बात करते हैं। बेंड गैप होता क्या है, इस तरीके से
एक बैंड गैप ये होता है, कभी कभी चित्र भी आता है पहचानने के लिए, एक एक में ये वैल्यू थोड़ा सा क्या होगी, कम होगी, ठीक है। और एक यहां पे बना लेते हैं, इधर ही बना दूं, एक में ये वैल्यू लगभग मिक्स ही होगी, हल्का सा गैप होगा। एक में तो सुपर इम्पोज भी करता है, इस क्षेत्र में आ जाता है जिंक वाला, कौन सा वाला, जिंक वाला। तो ये जो एनर्जी गैप लगभग 6 इलेक्ट्रॉन बोर्ड होता है, ये अचालकों में होता है, किसमें होता है, चौड़ा होता है बिल्कुल, बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए यहां से ये संयोजी बैंड हो गया और ये चालन बैंड हो गया, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां तक नहीं जा पाते हैं और ये इसीलिए कंडक्शन नहीं करते, मतलब चालन नहीं होता इनमें। ये एनर्जी गैप 1.1 इलेक्ट्रॉन बोर्ड के करीब होता है, सही है। ये अर्धचालकों में होता है, ये संयोजी बैंड हो गया, यहां से इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा मिलती है या जब तापमान बढ़ता है तो ये यहां से यहां पहुंच जाते हैं और कंडक्शन होने लग जाता है, चालन होने लग जाता है, राइट। और ये है किसमें, चालकों में, चालकों में या तो ये ओवरलैप करता है या हल्का सा यहां पे क्या होता है, छोटा सा गैप होता है, बहुत कम। इसीलिए चालक हर समय क्या करते हैं, चालन करते हैं। तो सही आंसर क्या होगा, चौड़ा बैंड गैप, एनर्जी बैंड गैप। आगे बढ़े, यहां तक समझ में आ गया होगा। अर्धचालक पदार्थ में संयोजन बैंड तथा चालन बैंड के बीच, फिर से वही प्रश्न आ गया, बता दोगे। अर्धचालक में पतला बैंड गैप, ना तो पतला ही ना तो चौड़ा ही बैंड गैप होता, तो हम यहां पे पतला बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पतला, ये बी वाला आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, एन प्रकार अर्धचालकों में मुख्य धारावाहक होते हैं। अब आया एन प्रकार में, यहां पे मैं थोड़ा सा आपको पी टाइप और एन टाइप भी बताऊंगा, सही है। तो एक पदार्थ ये है, मान लीजिए एक पदार्थ ये है, इसमें भी जर्मेनियम है या सिलिकॉन है उससे मतलब नहीं है, इसमें हमने मिक्सिंग की किसकी, त्रिसंयोजकता वाली, किसकी, थ्री वैलेंसी वाला हमने इसमें मिला दिया, राइट। तो ये बन गया आपका पी टाइप, क्या बन गया, ये क्या बन गया, पी टाइप। जैसे इसमें एल्यूमिनियम मिल जाएगा और क्या मिल जाएगा, थ्री वाले, और बताओ, इंडियम होगा, अरे ठीक है, और क्या हो सकते हैं, जो 13 वाली टेबल में, किसमें, 13 वाली टेबल में, राइट ना। तो वो त्रिसंयोजकता वाले इसमें मिलाए जाएंगे तो ये पी टाइप बन जाएगा, क्या बन जाएगा, राइट। और इसमें मिलाएंगे हम पांच वाले, कौन से वाले, पांच वाले, इसमें जैसे आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, फास्फोरस हो गया, बिल्कुल सही है, सही है। तो ये इसमें मिलाया जाएगा तो ये बन जाएगा एन टाइप, क्या बन गया, एन टाइप। अब ध्यान दे बेटा, जो शुद्ध अर्धचालक होता है, एक उसको भी दिखा दो मैं, शुद्ध में क्या होता है, यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शॉर्ट में लिखते हैं इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ होल्स, बता रखा ना मैंने, उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, होल्स होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शुद्ध अर्धचालक में ना तो होलों की संख्या ज्यादा होती ना इलेक्ट्रॉनों की, मतलब वो बराबर होते, बैलेंस होता है, इसीलिए उसको उदासीन भी कह रहे हैं। उदासीन तो खैर पूरा ही अर्धचालक होगा, चाहे उसमें हम पेंटा मिलाएं चाहे ट्राइवेलेंट वाली मिलाएं, क्लियर है। यहां पे पी टाइप में क्या हुआ, तीन संयोजकता वाला आ गया, जो जर्मेनियम थी उसकी संयोजकता कितनी होती है, चार होती है, तीन वाला हुआ तो एक स्थान खाली बच जाता है। मैं खाली ऐसे दिखा रहा हूं, मान लो ये सिलिकॉन है, एक दो तीन चार, यहां एक इलेक्ट्रॉन, यहां भी एक इलेक्ट्रॉन, यहां भी एक इलेक्ट्रॉन, यहां भी एक इलेक्ट्रॉन, यहां भी एक इलेक्ट्रॉन, यहां इसका एक इलेक्ट्रॉन, और यहां पे जो है वो स्पेस खाली बच गया, क्वार्टर, क्या बच गया, क्वार्टर। तो जब हम पी टाइप की बात करते हैं इसमें क्वार्टर, अब जितने मिलाएंगे हम, एक मिलाया तो एक क्वार्टर, और बहुत सारे असंख्य रूप में हम परमाणु मिलाएंगे, माने बहुत ज्यादा मिलाएंगे तो वहां पे उतने ही क्वार्टर हो जाएंगे। तो होगा क्या कि यहां पे क्वार्टरों की संख्या ज्यादा हो जाएगी और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कौन सी रहेगी, वो पहली वाली जो शुद्ध में थी, जो किस में थी, तो यहां पे क्या हो गया, अब गड़बड़ हो गया हिसाब किताब, पहले जो संतुलन बना था संतुलन खराब हो गया, यहां पे क्वार्टरों की संख्या ज्यादा हो गई है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो गई है, मतलब कम नहीं हुई है, मतलब जितने शुद्ध में थे उतने ही थे लेकिन इनकी संख्या ज्यादा हो गई। तो यहां पे हम कहते हैं कि जो ज्यादा मात्रा में है, अत्यधिक मात्रा में है, वो क्या है, हाँ, मेजर जो है, मेजर कैरियर जो है वो क्वार्टर है और माइनर कौन से है, इलेक्ट्रॉन है। और ठीक उल्टा कर दो, यहां पे फाइव बैलेंसी आएगी, वन टू वन टू वन टू और वन टू। अब जो हमने मान लो आर्सेनिक मिलाया, क्या मिलाया, आर्सेनिक, तो उसका एक बच गया ना इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन बच गया, अब जितने मिलाएंगे उतने इलेक्ट्रॉन बच गए, तो यहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो यहां पे जो बहुलक मात्रा में होंगे या बहुसंख्यक होंगे, बहुसंख्यक बोलेंगे उनको, जो बहुसंख्यक होंगे वो बहुसंख्यक क्या हो जाएंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे। तो आ गया समझ में, तो एन इसमें, तो इसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वाला आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सही से पढ़ लो क्वेश्चन है, आगे समझ में। आगे बढ़े,
ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों का प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है, नियत रहता है। बहुत बढ़िया है, अर्धचालक इसीलिए बहुत बढ़िया माने जाते हैं। आजकल की जो टेक्नोलॉजी है वो पूरी की पूरी अर्धचालकों पे डिपेंड हो रही है। कारण है कि अर्धचालक जैसे जैसे तापमान बढ़ता है वैसे वैसे इनकी उनका इनका मतलब प्रतिरोधकता या प्रतिरोध क्या होता रहता है, घटता रहता है। कारण है कि इनका जो ताप गुणांक होता है वो नेगेटिव होता है। क्या होता है? नेगेटिव। अगर परम शून्य ताप पर, एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, हो सकता है इसमें आगे हो, परम शून्य ताप पर आपसे पूछ लिया जाए कि कोई अर्धचालक क्या होगा, तो वो कुचालक होगा। क्या होगा? उस टाइम पे वो चालक नहीं होगा। क्लियर है? आगे बढ़े। ओह ये बेकार निकाल दे मैंने, इसको क्विट करें। अर्धचालक में विद्युत चालकता का कारण बताएं, अब तो बता ही दोगे। केवल इलेक्ट्रॉन, केवल छिद्र, छिद्र माने होल है ना, इलेक्ट्रॉन एवं छिद्र दोनों, इनमें से कोई नहीं। इलेक्ट्रॉन एवं छिद्र, इतना तो पढ़ा ही दिया, अब तो मैंने पूरा समझा दिया। इलेक्ट्रॉन एवं छिद्र दोनों होते हैं, किसमें? अर्धचालकों में। ये भी एक एडवांटेज है अर्धचालकों का। जब हम चालक की बात करते हैं, केवल मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं? केवल मुक्त इलेक्ट्रॉन। लेकिन अर्धचालकों में हमारे पास डबल वाहक है, होल भी है और क्या भी है, इलेक्ट्रॉन भी है। सही है? तो आंसर हो जाएगा सी वाला। आगे बढ़े। पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हैं एक प्रवर्धक के रूप में, दोलन के रूप में और मॉड्यूलेटर के रूप में और दृष्टिकारी की तरह। बताएं, दृष्टिकारी की तरह। अभी पढ़ेंगे हम लोग हाफ वेव, फुल वेव, ये दोनों के दोनों है ना। और ये क्वेश्चन इस टाइम पे बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा सकता है, क्योंकि आपके पास बहुत सारा सिलेबस कट हो गया है, तो इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट ये दृष्टिकारी ही रह गया है। तो मान लीजिए दो या तीन नंबर में यहाँ क्वेश्चन बनना ही बनना है। समझ में आ रहा है? दृष्टिकारी के रूप में। बाकी ये जो ऊपर के तीनों नाम लिखे, ये ट्रांजिस्टर में यूज होते हैं। किसमें यूज होते हैं? ट्रांजिस्टर में। चलिए तो डी वाला हो जाएगा आंसर, मैं टिक नहीं कर रहा हूं। पूर्ण तरंग दृष्टिकारों यानी कारी के रूप में संधि डायोड का व्यवहार करने के लिए आवश्यकता होती है एक डायोड की, दो डायोड की, तीन डायोड की, चार डायोड की, दो डायोड की। तो ये भी आ गया आप लोगों को। आगे बढ़ जाए। 4N भरे स्तरों के निम्न ऊर्जा पट्टी को कहते हैं संयोजी पट्टी, चालन पट्टी, फॉरविडन ऊर्जा पट्टी और इनमें से कोई भी नहीं। संयोजी पट्टी, बिल्कुल सही है। तो थोड़ा सा इस पर भी डिस्कस करते हैं, एनर्जी बेंड जो थ्योरी है, राइट। एनर्जी बेंड थ्योरी में क्या है, जब हम इसका कॉन्सेप्ट पढ़ते, कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया है आपको अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है ना, कि मैंने यहाँ से इस तरीके से स्टार्ट किया था कि जब जो परमाणु है एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूरी पे होते हैं, राइट, तो तब उनमें कोई भी आपस में क्या नहीं होता, संक्रमण नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे नज़दीक आता तो उनमें संक्रमण होता है, एक टाइम पे वो बिल्कुल एक दूसरे में विलुप्त हो जाते, पता ही नहीं चलता है, राइट। और फिर और नज़दीक आते हैं तो फिर उनमें क्या हो जाता है, दो बैंड बन जाते हैं, लड़ाई हो जाती है आपस में, ज़्यादा प्रेम नहीं खिपता उनको, राइट। तो लड़ाई हो जाती है, दो बैंड बन जाते हैं, एक बन जाता है संयोजी बैंड जिसमें 4N इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट, ये ऑलरेडी है, बैलेंस बैंड इसको कहते हैं, और एक खाली का बन जाता है, ये कहते यार तुम खाली थे हमारे साथ, ठीक है, और ये कंडक्शन बैंड बन जाता है। क्या बन जाता है? कंडक्शन बैंड, राइट। और यहां पे एक एनर्जी गैप आ जाता है, ईजी इसको हम कहते हैं, ये एनर्जी गैप है। अब अर्धचालकों में यही होता है जिसको पार करके ऊपर जाना होता है, राइट ना, तो ये एनर्जी बैंड गैप है। तो ये कहता है तो हम निम्न ऊर्जा स्तर इसको कहते हैं, क्योंकि ऊपर जाएगा तो ऊर्जा ज्यादा चाहिए ना, इतनी ऊर्जा और एक्स्ट्रा लगेगी। तो निम्न ऊर्जा स्तर कौन सा हो जाएगा? संयोजी पट्टी। कौन सा हो जाएगा? संयोजी पट्टी। उच्च पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा? चालन पट्टी। क्या हो जाएगा? चालन पट्टी। नेक्स्ट है फॉरविडन ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई अधिकतम है धातुओं के लिए, अर्धचालकों के लिए, अचालकों के लिए। अभी तो बताया था, अभी तो पढ़ाया, बताओ फटक से। अरे नहीं, सबसे ज्यादा ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई अधिकतम किसके लिए है? धातुओं के लिए, अर्धचालकों के लिए, अचालकों के लिए, अचालकों के लिए। सी, ये चीज कहां भी हो सकती है, हाँ, बोर्ड एग्जाम में। मैं तभी कह रहा हूँ कि धैर्य, इसीलिए तो ये सीरीज चलाई गई है कि भाई एक दो बार आप देखेंगे तो आपको कन्फर्म रहेगा कि ये अचालकों में होता है। किसमें होता है? अचालकों। अभी तो समझाया था, तो आप लोग एक बार फिर से कभी, जैसे आप, मैंने आप पहले भी कहा है कि अभी ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है, कि आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, आपको लगा यार मुझे 15-20 मिनट का आराम चाहिए, थोड़ा आदत भी बनी गई है मोबाइल देखने की, तो उसमें वीडियो देख लिया है ना, और वीडियो देखा, ये वाले देख लिए काम के, कहीं और इससे भी बेहतर मिलते तो वो भी देख सकते हैं, ज़रूरी नहीं यही वीडियो आपको देखना है। जहाँ भी आपको लगता है कि कुछ काम का है तो वो आप कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे उत्तराखंड बोर्ड के जो अधिकतम क्वेश्चन है उनको शामिल किया है, तो इससे आपका फ़ायदा हो जाएगा, साथ में समझाया भी है तो अच्छे तरीके से आ जाएगा। इसको क्विट करते हैं, ये बढ़ा दिया ना। नेक्स्ट
प्रश्न है, पूर्ण तरंगी तरंगकारी होना चाहिए था दिष्टकारी में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ज है तो निर्गम आवृत्ति क्या होगी? आप बता सकते कोई कितनी होगी? मैं केवल इसके सिग्नल दिखा रहा हूं आपको। देखिए जो इनपुट सिग्नल होता है निवेशी सिग्नल वो इस तरीके से होता है, एसी करंट हो गया जी। क्या हो गया? इसका क्वेश्चन भी आया था, अरे हाँ है ना। और बदलना इसको डीसी में, किसमें बदलना है? डीसी की विशेषता क्या है? डीसी हमेशा वन साइडेड होती है। क्या होती है? वन साइडेड। अरे सही है। तो यहां पे क्या होता है बेटा, आपको इस वाले पोर्शन से, इस वाले पोर्शन से, इस वाले ऐसे कट कर लेना है। क्लियर है? तो यहां पे पूछा गया पूर्ण दृष्टिकारी, तो इस फेज में भी हमको मिलता है, इस फेज में भी मिलता है, इस फेज में भी मिलता है, इस फेज में भी मिलता है, राइट right? तो यहां पे होता क्या है कि जब हम जो इनपुट निवेशी है उसकी आवृत्ति कितनी है? 50 हर्ज है। लेकिन उसमें क्या होता है, ये सिग्नल मिलता है, ये नहीं मिलता है, ये सिग्नल मिलता है, ये नहीं मिलता है। सही हो गया। यहां पे हमको डबल सिग्नल मिल रहा है। क्या मिल रहा है? ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है। तो आपको सीधे 2 × 50 कर देना है, तो कितनी हो जाएगी? 100 होगी। यही पे मैं बताना चाह रहा हूं कि यदि अर्ध हाफ वेव वाला आया, कौन सा वाला आया? हाफ। अगर वो 50 है तो आपको 50 ही करना है। क्यों? क्योंकि ये हिस्सा नहीं होगा, ये हिस्सा नहीं होगा। अरे सही है। तो यहां पे आपको दोनों चीजें आ गई समझ में। अगर अर्ध होगा तो 50 ही रहेगी और पूर्ण है तो 100, दोनों प्रश्न हो सकते हैं। आगे आपकी समझ में ठीक है, आगे बढ़े। इसका फायदा तभी है जब आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज हो, आपने तैयारी की हो। अब आपके बिल्कुल भी मान लीजिए जीरो लेवल पे होंगे तो आपको पता ही नहीं चल रहा होगा मैं क्या समझा रहा हूं, क्योंकि मैंने तो आधे से बताया ना उसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक शुद्ध अर्धचालक का परम शून्य ताप पर व्यवहार आ गया, तो अभी बताया था क्या होगा, एक कुचालक की भांति, एक अति चालक की भांति और एन प्रकार ये जो भी है, तो एक कुचालक की भांति। इस पर भी समय नहीं गंवाते हैं, आगे बढ़ते हैं। पीएन संधि का अग्र अभिनीत दशा में, अभी मैंने अग्र और पश्य बताया था आपको, अगर होगा तो फिर बता दूंगा। देखो कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, केवल पी क्षेत्र से होल एन क्षेत्र में प्रवेश करता है, केवल एन क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र में प्रवेश करता है, प्रत्येक क्षेत्र से बहुसंख्यक वाहक दूसरे क्षेत्र में प्रवेश करता है। बताएं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बेहतर। नहीं आ रहा है इतना समझाने के बाद भी, चलिए कोई बात नहीं। ये है पी टाइप। क्या है? अब हम ऐसे बनाएंगे इसको, ये डिप्लेशन लेयर है, ये पी टाइप है। पी टाइप में क्या होते हैं? होल्स होते हैं, राइट। कुछ इलेक्ट्रॉन भी होंगे, मैंने ऐसे दिखा दिए, कुछ इलेक्ट्रॉन भी है अल्पसंख्यक। क्या है? इधर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखाएंगे। एन क्षेत्र में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन है। क्या है? और कुछ होल भी होंगे, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, राइट। ये कौन सा वाला क्षेत्र है? पी। ये क्या है? एन है। और ये डिप्लेशन लेयर जो होती है, इसकी विशेषता क्या होती है? इधर हो जाता है, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन इधर आ जाते हैं जो यहाँ पे एक नेगेटिव, ठीक है ना, ध्रुव बनाते हैं, और इधर कुछ पॉजिटिव आ जाते हैं। इसको हम फिक्सीशियस बैटरी कहते हैं, राइट। और विभव प्राचीर जो शब्द हमने यूज किया है, विभव प्राचीर यही होती है। जैसे अगर हम जर्मेनियम की बात करें तो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी सिलिकॉन में, किसमें? सिलिकॉन में। और जर्मेनियम की बात करें तो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये अवक्षयी परत यहाँ बीच में है, लेकिन इसकी वजह से एक विभव की क्या बन गई है? दीवार भी बन गई है। क्या बन गई है? दीवार बन गई। यहां तक समझ में आ गया। अब जब हम अग्र बायशन करते हैं, ये पॉजिटिव दे दिया, क्या दे दिया? अभी भी बताया मैंने। तो यहां से जब पॉजिटिव दिया जाता है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव यानी होल को हम क्या मानते हैं? पॉजिटिव। वो उसको क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, रिपल करेगा, तो ये उधर की तरफ जाएगा, ये धक्का मारता है डिप्लेशन लेयर पे। सेम टाइम पे आप यहाँ का एक्सप्लेन करो, यहाँ नेगेटिव ज्यादा है, नेगेटिव पे ये क्या करेगा? प्रतिकर्षण करेगा, ये भी धक्का मारेंगे डिप्लेशन लेयर पे, डिप्लेशन लेयर थोड़ी सी क्या हो जाती है? पतली। इसीलिए उसका क्या होता है? प्रतिरोध भी घट जाता है। प्रतिरोध भी क्या हो जाता है? घट जाता है। और यहाँ पे आराम से चालन होता है। फलस्वरूप क्या होता है? इधर का जो होल होगा वो इधर चले जाता है, इधर का इधर चले जाता है। कुछ यहाँ पे कमाइंड भी हो जाते हैं, लेकिन बहुत कम कमाइंड होते हैं। तो कुल मिला के आंसर क्या होगा? प्रत्येक क्षेत्र से बहुसंख्यक वाहक दूसरे क्षेत्र में प्रवेश करता है। अब आप बोलेंगे अल्प क्यों नहीं? तो हम यहाँ पे जो वोल्टेज देते बहुत कम देते हैं, बहुत कम वोल्टेज दिया जाता है, राइट। तो अल्पसंख्यकों को यहाँ पे दिखाने की जरूरत ही नहीं है, या वो इतना वोल्टेज उनको सफिशियंट मिलता नहीं है, वो जाते भी नहीं है। तो बहुसंख्यक कौन से? बहुसंख्यक। सही आंसर क्या है? प्रत्येक क्षेत्र से बहुसंख्यक वाहक दूसरे क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। आया बेटा समझ में? सर, एक क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल करें।
कौन से ये क्वार्टर वाला? ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। यहाँ पे क्या होता है ना, एनर्जी गैप देखो कम और ज्यादा से मतलब नहीं, एनर्जी गैप कितना है 0. बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, ये बहुत कम एनर्जी है, इतनी तो चाहिए। जैसे इतना मिलेगा ना तो वो दूसरे, वो जो अवक्षयी परत वाली है, मैंने कहा ना दीवार है, एक दीवार को आपने फांद के जाना है, ये इस तरीके का सेटअप है। ठीक है, आपको कोई ऐसे धक्का दे रहा है तो आप सीधे यहाँ चले जाएंगे ना, चले जाएंगे ना, तो यहाँ पे कम वोल्टेज की आवश्यकता है, मतलब इतनी ही एनर्जी चाहिए, जब इतनी कम एनर्जी मिलेगी तो आप सीधे कहाँ चले जाएंगे, दूसरी तरफ चले जाएंगे, सही है। लेकिन जो रिवर्स वाइज होता है उसमें ये एक तो डिप्लेशन लेयर चौड़ी हो जाती है, प्रतिरोध बढ़ जाता है, उतना वोल्टेज मिल नहीं रहा होता, तब हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं। इसीलिए जब हम रिवर्स वाइज पढ़ते हैं तो उसमें जो बैटरी होती है वो हमेशा क्या लगाई जाती है, हाई टेंशन वाली लगाई जाती है, हैवी बैटरी लगाई जाती है। हो जाएगा प्रेम, अब तो दिक्कत नहीं है। यदि किसी अर्धचालक में छिद्रों एवं इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रमशः एनपी तथा एनई हो तो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, मैं समझा चुका हूं। क्या कह रहा है, यदि किसी अर्धचालक में, नाम नहीं लिखा है, कोई भी नाम नहीं लिखा, ना पी टाइप लिखा ना, तो इसका मतलब शुद्ध होगा, क्या होगा, शुद्ध होगा। यहां पर कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी बताइए, कौन सी वाली, कौन सी वाली, बी, पक्का, तो बी होगी राइट। और इसके अलावा अगर शुद्ध है तो बराबर होंगे, पी टाइप होगा तो किसकी संख्या ज्यादा हो जाएगी बता दो एक बार, वैसे बताने की जरूरत नहीं है मुझे जहां तक लग रहा है, आ गया आपको समझ में राइट। शुद्ध होगा तो एन पी, दैट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटोन से मतलब है यहां पे राइट, या पॉजिटिव जो भी बोले, एन ई, ये क्वार्टर के लिए है, ये इसके लिए है, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हो गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये किसमें होगा, पी टाइप में, किसमें होगा राइट, और नंबर ऑफ प्रोटॉन इज लेस देन, ये किस टाइप में होगा बेटा, एन टाइप में, क्लियर हो गया, तो ये हो गया। आगे बढ़े, नेक्स्ट प्रश्न है, अर्धचालकों में अशुद्धि मिलाने की क्रिया को क्या कहा जाता है, ये याद रखना है थोड़ा सा, डोपिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डोपिंग, ये बताया था मैंने आपको, ये याद है आपको। तो आई थिंक क्वेश्चन खत्म हो गए, और है, ठीक है, तो यहां तक जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, बाकी इसके अलावा भी हो सकते हैं। इस टाइम पर हमारे पास गेट भी नहीं है, ट्रांजिस्टर भी नहीं है, गेट है सिलेबस में नहीं है, सही है ना। सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे क्या है, कौन सा वाला, हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर, क्योंकि बड़े वही बनते हैं। इसके अलावा डायोड में भी आ सकता है, कोई भी एक डायोड पूछा जा सकता है, तो आप चारों डायोड के बारे में अच्छे तरीके से तैयारी कर लें। फोटो डायोड बहुत इजी है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है उसमें, अरे सही है, बिल्कुल डिटो उसी की तरह पढ़ना है, आ गया ना समझ में। एलईडी उसका उल्टा है, फोटो डायोड का उल्टा क्या है, एलईडी है, सही है। एक को अभी बताया था मैंने अग्रवाइशन में, दूसरे को पश्चिमाइशन में प्रयोग किया जाता है, जेनर डायोड वो भी पश्चिमाइशन में होता है। वोल्टेज रेगुलेशन के लिए क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, और सोलर सेल के बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ना है, उसमें धातु की प्लेट भी लगाई जाती है, कभी कभी आ जाता है गैल्वनी शेल भी उसको हम लोग कह सकते हैं, ठीक है ना, फोटोवोल्टाइक, सॉरी गैल्वनी नहीं कहते, फोटोवोल्टाइक, क्या कहते हैं, फोटोवोल्टाइक सेल कहते हैं, क्या कहते हैं, फोटोवोल्टाइक सेल। एलईडी की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। तो आज हमने जो बहुविकल्पीय प्रश्नों की सीरीज हम चला रहे थे वो हमने एंड कर दी, मैं इतना ही हम करेंगे इसमें। अब हम चलेंगे कि जो 5 से 10 सालों के इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, और साथ में मुझे कहीं पे लगेगा कि जो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा टफ है उनको आपको एक बार और बताना चाहिए ताकि इजी हो जाए। साथ में मैंने आपसे भी कहा है कि आप अपनी क्वेरी भी मुझे दे दें ताकि मैं आपके हिसाब से कुछ प्रश्नों को सेलेक्ट कर सकूं कि भाई इनमें दिक्कत हो रही है, वो वाले प्रश्नों के हम सीरीज लाएंगे। तो कल से अब हमारा जो वीडियो बनेंगे वो किस पे बनेंगे, 1 नंबर 2 नंबर और बड़े क्वेश्चन भी देखेंगे हम। अब चलेंगे कौन से चैप्टर वाइज जो भी इंपॉर्टेंट लग रहा है, सही है ना, पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और 5 से 7 वीडियो हमारे और आएंगे, और मुझे लग रहा है इतने टाइम में ये सफिशियंट हो जाएगा, फिजिक्स का लगभग पूरा ही आपके पास मैटर आ जाएगा, इतना भी आप पढ़ लेंगे तो बहुत बढ़िया कर लेंगे, सही है। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।